Underline the naming words. Taj Mahal is in Agra. Kitty is my pet cat. I live in Mumbai. Sheep gives us wool. Guavas are delicious. तो इसमें हमें नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेमिंग वर्ड्स का मतलब तो सबको मालूम है. Noun. Noun is the name of a particular person, place, animal or thing. तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउंस करने वाले हैं. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें. हमने किड्स और बिगिनर्स के लिए डेली इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की है जिसमें स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और फोनिक्स इंक्लूडेड है, जिससे कि इंग्लिश की जो कंसेप्ट है वो शुरू से क्लियर हो सके. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन्स को हमें अंडरलाइन करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल आगरा में है. इसमें कौन कौन से नाउन है? ताजमहल नाउन है क्या? यस, ताजमहल नाउन है. क्यों? ताजमहल एक इमारत का नाम है और इसे हम वस्तु में रखते हैं, मतलब थिंग में रखते हैं, तो ताजमहल एक नाउन हुआ. और कोई नाउन है यहाँ पे? आगरा. आगरा क्या है? प्लेस का नाम है. तो यहाँ पे दो नाउन है, एक है ताजमहल और एक आगरा. तो हम ताजमहल और आगरा को अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, किटी इज माई पेट कैट. किटी मेरी पालतू बिल्ली है. अब यहाँ पे किटी क्या है? किटी पालतू बिल्ली का नाम है. एंड नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एनिमल का नाम है किटी, तो यहाँ पे किटी भी अंडरलाइन होगा. इज माई पेट कैट. What is cat? Cat is animal. So we will underline cat also. In second sentence, kitty and cat. Kitty or cat, ये दोनों noun है. Third is I like to eat mango. मुझे mango खाना पसंद है या मुझे आम खाना पसंद है. तो यहाँ पे कौन सा noun है? Mango है क्या यहाँ पे noun? Yes. क्यों? क्योंकि मैंगो एक थिंग में काउंट होता है. हम हमेशा फल और सब्जियों को वस्तु में रखते हैं या थिंग मानते हैं. एंड नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. सो आई विल अंडरलाइन मैंगो. फोर्थ इज योर ब्रदर इज वेरी टॉल. यस, ब्रदर, बिकॉज ब्रदर इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ब्रदर, फादर, मदर, ये सब पर्सन में आते हैं ना. सो आई विल अंडरलाइन ब्रदर. फिफ्थ, शिप गिव्स अस वुल. भेड़ हमें ऊन देता है. तो यहाँ पे कौन सा होगा नाउन? यस, शिप. शिप इज द नेम ऑफ अ एनिमल. और भी कोई है क्या यहाँ पे नाउन? मुझे तो दिख रहा है और एक नाउन. यस, वुल. वुल इज द थिंग, इसीलिए यहाँ पे शिप और वुल को अंडरलाइन करेंगे. सिक्स्थ वन, आई लिव इन बैंगलोर. यहाँ पे तो मुझे एक ही नाउन दिख रहा है. यस, इट्स बैंगलोर, नेम ऑफ अ प्लेस. सेवेंथ, आई हैव फोर पेंसिल्स. मेरे पास चार पेंसिल्स हैं. अब इसमें क्या है नाउन? आई है क्या? नहीं, हैव भी नहीं है, फोर भी नहीं है. पेंसिल्स. क्यों? क्योंकि पेंसिल एक थिंग है. Pencil is the name of a thing, so I will underline pencil. 8-1, Mumbai is a big city. Mumbai एक बड़ा शहर है. तो यहाँ पे मुंबई क्या है? एक शहर का नाम है. मुंबई भी noun है. City, city क्या है? City मतलब शहर. तो city भी एक जगह है, place है. तो यहाँ पे मुंबई और city, ये दोनों underline होंगे. 9th, guavas are delicious. अमरूद स्वादिष्ट हैं. यहाँ पे बहुत सारे अमरूद हैं, तो सारे अमरूद स्वादिष्ट हैं. तो यहाँ पे क्या होगा नाउन? गुआवाज, बिकॉज गुआवा इज अ फ्रूट एंड फ्रूट्स आर थिंग्स. फल को हम वस्तु में रखते हैं, तो गुआवा को हम अंडरलाइन करेंगे. 10th, गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर. गंगा एक नदी का नाम है. तो गंगा नाम हुआ, तो इसीलिए गंगा को हम अंडरलाइन करेंगे. रिवर, नदी. नदी मतलब प्लेस में आता है.
एक जगह हुई ना नदी, नदी है हम बोलते हैं ना, नदी है, पहाड़ है, कौन कौन सी जगह है, तो रिवर भी अंडरलाइन होगा, गंगा एंड रिवर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।